सीए एग्जाम्स के लिए पांच महीने पहले कौन प्रिपेयर करता है कौन प्लानिंग करना चालू करता है वही स्टूडेंट जिनको एकदम मन में है कि हमको इस बार क्लियर करना ही है अगर आप सी फाइनल या सी इंटर एग्जाम मे 2025 में लिख रहे हो देन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड जो मोमेंटम आप शायद अभी बिल्ड कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे स्टार्ट करें कैसे खुद को पुश करें इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है बताऊंगा माइल स्टोन क्या रहेगी आप लोगों के लिए वो बताऊंगा मॉक टेस्ट कब देना है आपको रिवीजन कब कर स्टार्ट करना है कितने रिवीजन करना है कैसे एग्जाम की प्लानिंग करना है सब कुछ इस वीडियो के अंदर बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस आप लोगों को बहुत मदद करेगी टू गेट योर थॉट प्रोसेस इन द राइट डायरेक्शन एंड क्या आपको की स्टेप्स लेने हैं काफी सारे स्टूडेंट्स अभी या तो अपने क्लासेस के बीच में होंगे या क्लासेस स्टार्ट कर रहे होंगे एंड उनको यह डाउट रहेगा कि एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप देना है देखो द गुड न्यूज इज यू स्टिल हैव सम टाइम टू टू डिसाइड डिसाइड ऑन वन ग्रुप ग्रुप और आज आज के आपको decide करने की जरूरत नहीं है लेकिन वॉट आई विल सजेस्ट इज जो आप क्लासेस ले रहे हो ना वो ग्रुप वाइज करके लो कि पहले एक ग्रुप की कंप्लीट कर ली फिर एक ग्रुप की ले ली ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर वन एक ग्रुप का पेपर वन सेकेंड ग्रुप का पेपर टू एक ग्रुप का पेपर टू दूसरे ग्रुप का मिक्स एंड मैच हो रहा है इससे क्या होगा यू आर ओनली डिलेइंग इवन कंप्लीशन ऑफ वन ग्रुप आपका दोनों ग्रुप फिर एक एक ग्रुप भी मार्च में जाकर कंप्लीट होगा इवन दी क्लासेस एंड देन दैट बिकम्स टू लेट इससे अच्छा अपना टारगेट होना चाहिए कि जनवरी एंड तक यू शुड ट्राई एंड कंप्लीट थ्री क्लासेस मतलब एक ग्रुप आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए डजेंट मैटर ग्रुप वन और ग्रुप टू जो भी ग्रुप आपको ईजी लगता है आपको लगता है कि मैं इसको फटाफट पढ़ के ग्रास करके स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं उस ग्रुप को आप उठाओ एंड उसके क्लासेस कंप्लीट करो कीप द फर्स्ट माइलस्टोन टारगेट ऑफ जनवरी एंड अभी अपने पास नवंबर के कुछ दिन बच गए हैं नवंबर छोड़ दो दिसंबर है जनवरी है दो महीने में आपको ये क्लासेस कैसे कंप्लीट करनी है एंड साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आप रीडिंग भी कर सको तो इट विल बी बेनिफिशियल उसके बाद आप फेब्रवरी मार्च दो महीने का दूसरा टारगेट रखोगे जहां पर आपको ग्रुप टू या सेकंड ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट करनी है फर्स्ट जो भी आपने ग्रुप पढ़ाई किया उसको रिवाइज करते चलना दैट टाइम टाइम विल बी वेरी वेरी क्रंच बिकॉज आपकी क्लासेस फुल चलती रहेगी प्लस आपको एक ग्रुप ऑलरेडी रिवाइज भी करना रहेगा इसीलिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि शायद आपको छओ क्लासेस की जरूरत ना पड़े हो सकता है आप ग्रुप वन में दो ही क्लासेस लो एक खुद से सेल्फ स्टडी करोगे ग्रुप टू में दो ही क्लासेस लो एक खुद से सेल्फ स्टडी करोगे इससे क्या होगा ना आप मार्च का डेडलाइन फेब मिड या फेब स्टार्टिंग तक भी कर सकते हो कि मैं दोनों ही ग्रुप दो दो पेपर करके कंप्लीट कर देता हूं अपनी क्लासेस विथ वन टाइम स्टडीज ताकि आप लोगों को फेब आधा मार्च पूरा अप्रैल पूरा फ्री टाइम मिले रिविजन करने के लिए द बेस्ट केस सिनारियो एज कि फेब तक आपके दोनों ग्रुप्स कंप्लीट हो जाने चाहिए क्लासेज पॉइंट ऑफ व्यू से द रिसेंट केस सिनारियो एज मिड फेब एंड वर्ष के मार्च स्टार्टिंग तक या मार्च मिड तक आपके क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए उसके बाद अगर आपके क्लासेस चल रहे हैं पुअर प्लानिंग एंड इतना एडवांस प्लानिंग करने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है बिकॉज सिर्फ अप्रैल बच जाएगा आपको रिविजन करने के लिए एंड दैट इज गोइंग टू बी ए लिटिल बहुत ज्यादा फिर अगर दो ग्रुप दे रहे हो तो बहुत ज्यादा वो हश हश हो जाएगा एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट एक ग्रुप दे रहे हो आराम से आप फेब मिड तक कंप्लीट करो या फेब एंड तक कंप्लीट करो अपनी क्लासेस एंड देन मार्च अप्रैल आराम से रिवाइज करो कोई टेंशन नहीं रहेगा ग्रुप वन एक ग्रुप के लिए काफी टाइम है दो ग्रुप के लिए राइट नाउ सिचुएशन इज बिकमिंग टाइट अगर आप माइल स्टोन टाइमलाइन फॉलो करोगे यू विल बी इन अ गुड पोजिशन क्लासेस ढंग से सुनो ग्रास्प करो खाली टिक मार्क मारने के लिए टू एक्स पे देख लेता हूं मैं क्योंकि बस सौ घंटे हैं दो सौ घंटे कंप्लीट करना है वो मत करना अच्छे से देखना कॉन्सेप्ट समझना एक बार में ग्रिप सॉलिड लेकर आना कि बाद में आपको बार बार क्लासेस रिवाइज करने की देखने की जरूरत ना पड़े एक बार आपने अपने नोट्स बना लिए एक बार आपने जो भी समझना था कॉन्सेप्ट सब समरी में लिख लिया बाद में आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो चाहे थियरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो अच्छा मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया है हाउ टू क्रैक यूर सी एग्जाम आई नो मेनी स्टूडेंट बी लाइ कर के लिए एक कोर्स क्यों बन गया अलग से बट इट इज वेरी वेरी चीपली प्राइज बहुत ही इकोनॉमिकल है, right है. कुछ ही दिनों में फोर नाइनटी नाइन करूंगा मैं बट देन दैट कोर्स एनकंपसेस आपको राइट फ्रॉम स्केड्यूलिंग कैसे आपको स्टडी प्लान बनानी है कैसे आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है टाइम टेबल दिया गया है स्टडी प्लानर दिया गया है कैसे आप लोगों को साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स यूज़ करनी है नोट्स कैसे बनाने हैं उसका क्या टेक्निक होता है रिविजन कैसे करना है उसका क्या टेक्निक होता है याद कैसे रखना है क्या टेक्निक होता है टाइम वेस्ट कैसे नहीं करना है उसका क्या टेक्निक होता है उसके बाद वन डे रिविजन प्लान फिफ्टीन मिनट रीडिंग स्ट्रैटेजी मिस्टेक्स नॉट टू डू डिफरेंट माइलस्टोन सब कुछ उस कोर्स में कवर्ड है एक जगह पर आपको पूरी प्रिपरेशन पूरी प्लानिंग के लिए आप लोगों को वहां पर मसाला मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू प्लान एग्जीक्यूट एंड राइट योर एक्साम ब्रिलियंटली मेनी मेनी स्टूडेंट्स हैल्सो डू दैट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कीजिए यू विल डेफिनेटली लाइक इट इट्स अ वेरी 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 स्मॉल इन्वेस्टमेंट क्लासेस आजकल दस दस हजार रुपए के आते हैं ये सिर्फ थ्री नाइनटी नाइन रुपीज का थ्री नाइनटी नाइन रुपीज तो आजकल मूवी की टिकट भी नहीं आ रही है लाइफ टाइम कोर्स मेजरली इंग्लिश में है आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा ठीक है तो ये हो गया आपकी क्लासेस की माइलस्टोन रिवीजन आइडियली फेब एंड से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आपको मार्च अप्रैल दो क्लियर मंथ मिले रिवीजन करने के लिए एंड सी रिवीजन कितनी बार करना है सर जब तक आपको लगता है कि मेरे पास ग्रिप आ गई है तब तक रिवाइज करना है लिख के रिवाइज करो जितना हो सके सिर्फ ऑडिट मत करो सिर्फ पेजेस टर्न मत करो करो लिख कर रिवाइज इट विल बी मच मोर रीडिंग सर सम मैंने दिमाग में कर लिया कैलकुलेटर में कर लिया नो स्टेप वाइज करो पेस भी बढ़ेगी मेमोरी मसल मसल मेमोरी भी बढ़ेगा आपका फोकस भी बढ़ेगा लिख के रिवाइज करेंगे अपन उसके बाद मॉक टेस्ट कब देना है सर अगर आपको मॉक टेस्ट देने में इंटरेस्ट है तो मार्च इज अ गुड टाइम टू गिव टेस्ट ताकि आपको जब रिजल्ट आएंगे जो फीडबैक आएगा उसके बाद वन एंड हाफ मंथ आपके पास रहेंगे wrong, ताकि आप पैनिक ना हो अप्रैल में जाके दो गए खराब रिजल्ट आ जाएंगे यू विल पैनिक कियर है अब तो बीस दिन बच गए हैं मेरे रिजल्ट तो खराब आ गए मॉकटेस्ट में अब मैं क्या करूंगा दिस इज फ्रॉम दी एक्सपीरियंस दिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा है विद स्टूडेंट हुन दिस ब्लंडर एंड हैव रिपेंटेड लेटर

इट्स अ गुड थिंग यस इट विल गिव गेट यू सम राइटिंग हैबिट थोड़ा सा एक एग्जाम फियर आपका कम हो जाएगा स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना फाइनल का थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा मॉक टेस्ट में से जो मार्क्स आएंगे डोंट काउंट देम फॉर एनी थिंग कि ओहो सिक्सटी फाइव आ गए मेरे को अरे अब तो सीए भाई हार ही देगा मॉक टेस्ट में सिक्सटी फाइव आ गए तो सी ए फाइनल में तो रैंक पक्का है ऐसा नहीं होता है मेरे अब भी परसों ही मैंने अपने ऑन मेंटरशिप -on में बात की थी किसी से कि सर कि सर मुझे सब मॉक टेस्ट में 65 65 आते हैं एग्जाम में 35 आते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है तो नेवर टेक मॉक टेस्ट मार्क्स टू सीरियसली टेक द फीडबैक सीरियसली एंड इम्प्रूव योर सेल्फ दैट इज यू शुड डू आउट ऑफ मॉक टेस्ट लास्ट एक स्टडी प्लानर एक थॉट प्रोसेस बना के चलो एक क्लियर टाइम लगा के चलो डोंट थिंक कि जैसा आएगा वैसा मैं पढ़ते चले जाऊंगा दैट डजेंट वर्क I believe अभी most of you must have already got study leave from your offices आपके पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं करने के लिए maybe a few of you are still doing articleship या maybe doing full time job जो multiple attempts दे चुके हैं otherwise I don't think आपके पास ज़्यादा कुछ distraction रहेगा ये पांच महीने आपको fully utilize करने हैं full focus करना है without any disturbance without any distraction आपको लगे रहना है जिनका first या second attempt है You have to tell yourself कि भाई ये मेरा पहला और आखिरी या दूसरा और आखिरी अटेम्प्ट है इसके बाद में कोई अटेम्प नहीं लिखूंगा आई विल क्लियर माई एग्जाम वेरी क्लियर कट एटीट्यूड पॉजिटिव माइंड सेट एक रखेंगे अपन बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज सी एक्साम इज ऑल्सो अबाउट क्लियरिंग इट फ्रॉम योर माइंड साइकोलॉजिकली आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे लॉसेज आएंगे बहुत सारे डिफिकल्टीज आएगी बट यू हैव टू एंश्योर की आपका जो गोल है वो एक ही फोकस पे है एंड गोल पर आपको अड़े रहना है टिके रहना है डटे रहना है दैट यू हैव टू एंश्योर मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा मोटिवेट करते रहूंगा स्ट्रैटेजी देते रहूंगा गाइडलाइंस देते रहूंगा गाइडेंस सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन दबाइए क्योंकि ये चैनल आप लोगों को बहुत मदद करने वाला है टू कीप रिमाइंडिंग यू कि भाई पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो कीप पुशिंग यू कीप गाइडिंग यू कीप टेलिंग यू कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो आपको बहुत मदद मिलने वाली है मेरा कोर्स है हाउ टू क्रैक सी एग्जाम यू विल डेफिनेटली बेनिफिट लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके अलावा कभी भी आपको मेरे से वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए बात करनी है मेरे से अपने स्टडी प्लान स्टडी स्ट्रेटेजी बनाने हैं तो भी नीचे आप लिंक देख सकते हो ईमेल आईडी दे दिया है मैंने जहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इट इज फॉर अ स्मॉल फी

आप लोगों को भी मदद मिलेगी इफ़ यू रियली नीड इट अदरवाइज ये फ्री वीडियोस आती ही रहेगी डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन में है लिंक पे आप फॉलो कर सकते हो सी एरियन बैद इंस्टाग्राम पे अरियन बैद ऑफिशियल एंड uh, एक यूट्यूब uh, ट्रैवल चैनल भी है कभी कभी आपको अगर रिलैक्स करना हो तो ट्रैवल विथ ए बी नाम से उसको भी चेकआउट कर सकते हैं यहां पर तो है ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वेरी बेस्ट